मेरी शूज ने सॉक्स तक सॉक्स यही तक दे ग्रे वाले शूज तक दे सॉक्स वही से ले हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल और वेलकम अगेन टू माय चैनल। अभी बजे हैं सुबह के 6:15 हुए। बच्चे अभी एकेडमी जा चुके हैं, 6:45 गए थे, वाली साहब उनको छोड़ के आए हैं और अभी वाली साहब गए हैं सैर करने और मैं आ गई हूँ किचन में। आज है 3rd नवरात्रि, तीसरा नवरात्रा है आज और अभी डे की शुरुआत कर रहे हैं चाय के साथ और साथ में एप्पल और उसके बाद बढ़ते हैं दिन में। लेट अस स्टार्ट द डे विद पॉजिटिव एनर्जी एंड अ स्माइल। क्लास 8 स्टूडेंट्स टू अटेंड स्कूल फ्रॉम अक्टूबर 11, तो जो फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स तो क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, बच्चे स्कूल्स अटेंड कर रहे हैं। ताने अनार के मेरी मैया के नौ दिन बहार के मैं तो बांटूंगी दाने अनार के मेरी मैया के नौ दिन बहार के टंट वाले तेरा क्या जाएगा मेरी मैया का मंदिर बन जाएगा मेरी मैया का भवन बन जाएगा दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो जो जगे दिन रैन तुम्हारी तू मंदिर के अंदर हो जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ। माता रानी खुश रखना, मेरी बहन पे पूरा आशीर्वाद रखना। अभी हम मम्मा के लाए हैं खाना सील की गच्चक। हाँ, व्रत स्पेशल सामान सर, स्पेशल वेफर। मुझे नहीं खाने हैं चिप्स। कुट्टू का नहीं, ये है सौंफ के चावल। ओके ये सील के लड्डू। हाँ, सील के लड्डू ठीक है। ये और माँ दुर्गा कुट्टू आटा। ये लग रहा है कि मेरे व्रत हैं तेला भर के। ये पिठा, अरे वाह, जो स्वीट के रूप में मम्मा खा सकती है। ओके, एप्पल तो है ही, एप्पल ही मैं खाती हूँ। देखो 4 दिन तो मेरे एप्पल और चाय और दूध से निकल गए और थोड़ा सा साबुदाना से निकल गए, है ना। तो अभी आज साबुदाना भी मैं ही लाया था। अच्छा जी, साबुदाना मैं ही लाया था। आप ही लाओगे। सो चलो, अब ये मेरा राशन हो गया 4 दिन के लिए, क्योंकि 4 ही व्रत बचे हैं। अब 4 दिन का ये मेरा है खाना वाना स्टोर, क्या प्रोविजंस, ठीक है व्रत के लिए। और क्या क्या है इसमें, अपने लिए क्या लाए? बिस्किट लाए हैं, बिस्किट ख़त्म थे और एप्पल हैं। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, अभी जो डीजे की साउंड्स आपको सुन रही है ना, शायद थोड़ी बहुत सुन रही होंगी, तो अभी डीजे है सामने। तो मैंने बताया था आपको नेबरहुड में अभी जो शादी चल रही है, आज लंच था, दिन में हम गए थे और अभी डीजे की साउंड्स चल रही हैं, तो बच्चे जाएंगे डीजे पे, तो हो सकता है मैं भी जाऊँ। अदरवाइज तो मेरे फास्ट चल रहे हैं, तो खाना वाना तो कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा है, बट स्टिल सामने की बात है, पड़ोस की बात है, तो जाना तो है ही, है ना, उनके फंक्शंस में जाएंगे तो अच्छा है।
सो दूसरी बात है कि कल को मैरिज है, कल को शादी है, तो कल रात की, कल सुबह इम्पॉर्टेंट क्या है कि आदित्य फर्स्ट टाइम ऑफलाइन क्लासेस के लिए जा रहा है, स्कूल जा रहा है, बैग लेके जाएगा, यूनिफॉर्म पहन के जाएगा, और मैं भी जाऊंगी, तो अब बच्चा घर में, अमूल्य अकेला, अब सब हो गए ऑफलाइन हो गए सारे, बाली साहब तो ऑलरेडी पूरे लॉकडाउन के दौरान भी ऑफलाइन ही रहे हैं, सो अब मैं और आदित्य भी ऑफलाइन हो गए, बचा अमूल्य, तो उसको इतनी डेस्परेशन है कि मुझे भी ले चलो, मेरे भी स्कूल ऑन करवा दो। सो ऐसा है कि बोरियत की इंतहा है, घर में जो बच्चे रह रहे हैं ना अभी, बोरियत की इंतहा है। देखो गवर्नमेंट्स की नोटिफिकेशंस आ रही हैं, धीरे धीरे सब कुछ जो है वो ऑफलाइन हो जाएगा, सो आई होप जल्दी जल्दी हो जाए, और फेस्टिवल सीज़न भी आ रहा है, स्कूल्स भी ओपन हो रहे हैं, और फिर से यही चांस होता है कि कहीं फिर से कोई ब्लास्ट ऐसा ना हो जाए। प्रेयर यही है इस बार कि बस सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सो अभी ऐसा है कि रात के खाने का तो कोई काम नहीं है, बाली साहब का ज़रूर है, बाली साहब दोबारा, क्योंकि लंच में उन्होंने किया था, लंच बाहर इनके किया था साथ वालों के, शादी वालों के, तो अभी वो नहीं करेंगे वहाँ पे, दोबारा से डिनर नहीं करेंगे, क्योंकि डीजे में बच्चे जाएंगे तो वहीं करेंगे, सो उनका ही थोड़ा सा डिनर का काम है, मेरा फास्ट है, बाकी प्रेपरेशन सुबह की, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, हेक्टिक शेड्यूल, तो अभी जो है वो जितनी की नेसेसरी प्रेपरेशन अभी हो सकती है, ब्रेकफास्ट लंच सुबह बनाना है, उसकी मैं अभी कर लूँगी। तो चलो फटाफट से अभी काम करते हैं, फिर रात को थोड़ा बहुत मैं जाऊँगी 10 मिनट के लिए डीजे में भी सामने उनके, सो चलो अभी जल्दी जल्दी काम शुरुआत करते हैं।